हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट जॉब्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो आवेदन मांगे गए हैं फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए, उसी के बारे में मैंने पहले एक दो वीडियो और भी बनाए हैं। अगर उन वीडियोस को आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आज दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, यानी कि जो सिलेक्शन का एक प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस क्या है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों हम बात करेंगे टोटल सिलेबस के बारे में। जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आवेदन मांगे गए हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए, उसमें टोटल सिलेबस क्या है, टोटल फोकस हम उसी के ऊपर रखेंगे। तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों, एग्जाम पॉइंट जॉब्स के माध्यम से हम ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो इससे रिलेवेंट पूरी इन्फॉर्मेशन फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट से इन्फॉर्मेशन सारी अगर आपको जाननी है तो नीचे उसका लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करके इस जॉब के रिगार्डिंग ए टू जेड इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। ये जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसके लिखी हुई है। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस डिटेल क्या है, एज लिमिट क्या है, और यहीं से आपको ऑनलाइन आवेदन का भी ऑप्शन, सारे जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो भी मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं और देखते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो इसका टोटल क्राइटेरिया है, जो इसके सिलेबस है, हिंदी क्या है, जनरल नॉलेज में क्या क्या आने वाला है, जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या आने वाला है, और इसके साथ साथ दोस्तों किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स होंगे, टोटल टाइम कितना मिलेगा, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा आप जानते हैं दोस्तों, जो टोटल पोस्ट हैं फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए दोस्तों, वो टोटल पोस्ट हैं 655 दोस्तों इसमें पोस्ट हैं। और जो इसकी एलिजिबिलिटी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो, यानी कि इसकी पहले शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो वो क्या है फ्रेंड्स, वो इसमें मांगे गए हैं 12th पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूपी बोर्ड। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी के जो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैं वहाँ से आप पास आउट होने चाहिए, 10th और 12th। और अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन आपको 10th और 12th किसी भी गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th और 12th दोनों पास होने चाहिए। तो ये इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है शैक्षणिक योग्यता। अब अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट दोस्तों इसमें जैसा आप देख सकते हैं, 18 से 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है। अब सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है फ्रेंड्स, इसमें सिलेक्शन के जो प्रोसेस हैं वो चार चरण हैं। पहला चरण क्या है, जिसमें आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा। दूसरा चरण क्या है, फिजिकल टेस्ट। तीसरा क्या है इसमें दोस्तों, फिजिकल एफिशिएंसी। और चौथा है इसमें मेडिकल। आज हम अपनी इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इन तीनों के बारे में दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका भी लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी और मेडिकल अच्छी तरीके से डिस्क्राइब्ड है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें रिटन टेस्ट में क्या क्या इसका सिलेबस कवर होने वाला है और क्या क्या उसमें टॉपिक कवर होंगे। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिलेबस, क्वेश्चंस, मार्क्स और टाइम। यहाँ पे हिंदी इंसाइट एंड राइटिंग एबिलिटी आपकी चेक होगी, जिसमें आपको पूछे जाएंगे 80 क्वेश्चंस, सही है, और उसमें एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 80 ही आपके मार्क्स होंगे। इसी तरीके से जनरल नॉलेज में पूछे जाएंगे फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन, और उसमें भी एक मार्क का एक क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जिसमें फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो होंगे दोस्तों 180, और जो टोटल मार्क्स होंगे वो भी 180 होंगे। इन 80 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, 180 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, जैसा आप देख सकते हैं 120 मिनट्स का। अब दोस्तों, जो हिंदी इंसाइट और राइटिंग एबिलिटी है, अगर मैं बात करूं जनरल हिंदी की, तो उसमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं आपको, ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अगर जनरल हिंदी की मैं बात करूं तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द का वाक्य संशोधन यानी कि लिंग, समास, विलोम, पर्यायवाची शब्द और रस, संधियां, अलंकार, मुहावरे, काल, वर्तनी, वचन, कारक, ये सारी डिटेल दोस्तों जो हिंदी की टोटल सिलेबस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स
जनरल नॉलेज की, तो आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो कल्चर ऑफ इंडिया, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल इवेंट्स, नेशनल पर्सनैलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़, और ये सारी दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन, इन सब के बारे में आपको पता होनी चाहिए। और जैसे ये पोस्ट जो है फ्रेंड्स, ये स्पेसिफिकली यूपी के लिए है, तो इंडिया और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के बारे में भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और कैपिटल्स, करेंसी, अवार्ड्स, इंडियन एंड यूपी कल्चर, डांस एंड म्यूजिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी, स्पोर्ट्स, करंट इवेंट्स और इकोनॉमिक्स, ये सारे दोस्तों टॉपिक हैं बहुत ही बेसिक जानकारी, ठीक ठाक जानकारी, ट्वेल्थ लेवल तक की जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर हम दोस्तों तीसरे सब्जेक्ट की बात करें या तीसरे सिलेबस की बात करें, तो वो क्या है, जनरल इंटेलिजेंस। इसमें जैसा आप देख सकते हैं, स्पेशल विजुअलाइजेशन है, विजुअल मेमोरी है, सिमिलरिटीज़ हैं, और नॉन वर्बल सीरीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिलेशनशिप, डिफ्रेंसीसन, डिस्क्रिमिनेशन, इन सारी चीज़ों की बेसिक नॉलेज भी आपको होना ज़रूरी है। ये सारा इसका सिलेबस है दोस्तों, जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया है, और इन सारे जितने भी ये नीचे आप सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर इस तरीके से, ये 180 टोटल क्वेश्चन होंगे और 180 ही मार्क्स होंगे, उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर उसके बाद में आपको क्या करना होगा दोस्तों, फिजिकल टेस्ट देना होगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल एग्जाम पॉइंट जॉब्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।